नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबरों के सुपर फास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना ने गिराया ड्रोन। भारतीय सीमा में घुसकर कर रहा था जासूसी। पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन के जरिए आतंकियों को भेजे गए थे हथियार, इसमें एक अमेरिकी राइफल तो दो मैगजीन और दूसरे हथियार जब्त। अली भाई के नाम पर आया था कंसाइनमेंट। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूएस अथॉरिटी के हत्थे चढ़ा तहव्वुर हुसैन राणा। भारत ने की प्रत्यर्पण की मांग। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम। अब तक 87 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित तो 4,62,000 से ज्यादा ने गंवाई जान। वहीं 46 लाख से ज्यादा हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या पहुंची 4 लाख के करीब तो अब तक 12,948 की हुई मौत। वहीं 2 लाख से ज्यादा हुए रिकवर। दिल्ली के एलजी ने कोरोना मरीजों के 5 दिन के अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर भेजने के फैसले को लिया वापस। केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है वापसी का फैसला। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। राजस्थान के सीएम गहलोत भी जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वहीं अभियान की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने की घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बात। श्रमिकों के से उन्हें मिले योजनाओं के लाभ के संबंध में ली जानकारी। कहा, गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे, इतना काम करना है मुझे। गृहमंत्री अमित शाह ने घायल सैनिक के पिता का वीडियो किया रिट्वीट। कहा, बहादुर सैनिक के पिता ने राहुल गांधी को दिया साफ संदेश। इस संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट। प्रदेश भाजपा की दूसरी वर्चुअल रैली का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। जोधपुर बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं से की केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील। वहीं भाजपा की राजस्थान जनसंवाद रैली में जेपी नड्डा ने किया संबोधन। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, व्यर्थ नहीं जाएगी वीर सपूतों की शहादत। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी किया संबोधित। भारत चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। पीएम मोदी के रुख पर खड़े किए सवाल। कहा, पीएम ने भारतीय क्षेत्र को चीन के सामने किया सरेंडर। कोरोना से लड़ने के लिए गहलोत सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक। निजी अस्पतालों में इलाज के बिल को नियंत्रित करने का लिया निर्णय। सभी अस्पतालों में इलाज की दरें तय। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे सभी लोग। यूपी के यमुना एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार दंपति समेत 3 लोगों की हुई मौत। वहीं 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायपुर से सहारनपुर जा रहे थे सभी लोग। चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 सैनिकों के बलिदान को हरिद्वार में नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मां गंगा में पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। आयोजन में बैटरी रिक्शा चालक और रेडी पटरी वाले हुए शामिल। यूपी के हरदोई में रेलवे के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार। वहीं रेल विभाग के कर्मचारियों ने चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार किए जाने के लिए शपथ। उत्तर प्रदेश के एटा में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन पुल का गार्डर नीचे गिरने से कई वाहन दब गए। हादसे में कई लोग घायल। अभी तक 2 की मौत की पुष्टि। यूपी के हरदोई में कोऑपरेटिव बैंक शाहबाद के मैनेजर और कैशियर पर लगा 5 लाख रुपए के गबन का आरोप। जांच में दोनों दोषी पाए गए थे। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 12 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश वसीम घायल। बदमाशों से 1 बाइक, 2 तमंचे, 7 कारतूस बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में बच्ची की मौत पर बवाल। परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 15 किलो सोना चोरी होने के मामले में खुलासा। कैशियर ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चुरा लिया बैंक का सोना। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने दी राहत। आरबीआई ने पीएम सी बैंक के खाते से रुपए निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए, बैंक में लगे प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए बढ़ाकर 22 दिसंबर तक किया। जियो प्लेटफॉर्म पर जमकर बरसा पैसा। मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल।
ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति। जल्दी ही वापसी करेगी भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स, 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की बन रही योजना। कंपनी ने ट्वीट कर वापसी की योजना के बारे में दी जानकारी। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी। 14 दिन में पेट्रोल 8 रुपए 11 पैसे तो डीजल 8 रुपए 21 पैसे हुआ प्रति लीटर महंगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार सतर्क, 21 से 30 जून तक चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। सीएम अशोक गहलोत करेंगे अभियान की डिजिटल लॉन्चिंग। लॉन्चिंग कार्यक्रम में पंचायत स्तर के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। वहीं जागरूकता कार्यक्रम को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी जानकारी, डिजिटल लॉन्चिंग के बाद होगा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पेयजल, मनरेगा और कोविड-19 के हालातों की भी होगी समीक्षा। श्रीगंगानगर के घरसाना में कोरोना का प्रकोप जारी, मुंबई से आए व्यक्ति में हुई कोरोना की पुष्टि। हरकत में आया जिला प्रशासन, संक्रमित मरीज के परिवार को किया क्वारंटाइन। झालावाड़ के गंगधार में कोरोना की दस्तक, 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। इलाके को किया जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित, लोगों को दी घरों में रहने की हिदायत। भरतपुर के बयाना राजकीय चिकित्सालय में लगी सोनोग्राफी मशीन, भामाशाहने की सीएससी को 8 लाख रुपए की मदद। अब लोगों को सोनोग्राफी के लिए नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्यालय। दौसा सांसद जसकोर मीणा ने लालसोट बस स्टैंड पर किया प्लेटफॉर्म के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास, 18 लाख रुपए की लागत से हो रहे नवीनीकरण कार्य। शिलान्यास में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। श्रीगंगानगर के घरसाना में गर्मी का सितम, 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, लू के चलते सड़कें हुई वीरान। भरतपुर के बयाना में बेरोजगार छात्रों ने सरकार को लिखे पत्र, बिजली और जलदाय विभाग में भर्ती निकालने की मांग। डाक द्वारा भेजे सीएम को 200 पोस्टकार्ड। सीकर के दातारामगढ़ में मजदूरों की शिकायत के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट, एसडीएम ने किया विभिन्न गांवों में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण, समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। सीकर के अजीतगढ़ में पुलिस को मिली सफलता, इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। डूंगरपुर के बीचेवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब से भरा कंटेनर किया जब्त, कंटेनर से 18 लाख रुपए की शराब बरामद, तो वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा के नेहरू विहार पार्क में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, मामले की सूचना पाकर भीमगंज थाना पुलिस और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य, फिलहाल पुलिस जुटी जांच में। नागौर डिस्कॉम ने अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध ट्रांसफार्मर और बकाया वसूली को लेकर चलाया अभियान, अवैध ट्रांसफार्मरों को किया गया जब्त। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोडवेज प्रशासन की लापरवाही का मामला, खुलेआम किया गया नियमों का उल्लंघन, बारात के लिए भेजी रोडवेज बस तो वहीं शिकायत के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। झालावाड़ के खानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाबे कर्मचारी जानकीलाल की हत्या के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। DSP भंवर सिंह हाड़ा ने बताया हत्या का मामला दर्ज होने के बाद टीम का गठन कर साक्ष्य जुटाए गए और लोगों से की गई कड़ी पूछताछ। राजसमंद जिले के केलवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर किया नमन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर रखा ख्याल, चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार का लिया संकल्प। झालावाड़ के खानपुर में चीनी सामान का बहिष्कार, ABVP ने चीनी वस्तुओं की होली जलाकर किया विरोध, चीनी सामान सीमा पर शहीद हुए सेना के जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अलवर के तिजारा में बजरंग दल ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान, सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। झुंझुनू में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध, शिक्षक संघ सियाराम ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन, कहा झुंझुनू में नहीं हो रही मुख्य सचिव के आदेशों की पालना। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर AEN राजकुमार राव को सौंपा ज्ञापन, निजीकरण के विरोध में प्रबंध निदेशक को भेजा ज्ञापन। बाड़मेर में 3 अलग अलग आत्महत्या की घटनाओं से फैली सनसनी, 2 मासूमों समेत 6 लोगों की हुई मौत। सरली गांव, रावतसर और बींदासर गांव के मामले, कारणों के पता लगाने में जुटी पुलिस। झुंझुनू के जाखल गांव में पहुंची शहीद अजय कुमार की पार्थिव देह, पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, जिला कलेक्टर समेत आला अधिकारियों ने किए पुष्प चक्र अर्पित।
प्रदेश में टिड्डियों का बढ़ता जा रहा आतंक, नावा में टिड्डी दल ने किया हमला, खेतों में केमिकल का कराया गया छिड़काव। पाली के सुमेरपुर में ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राजपुरोहित ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मनरेगा कार्यों का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने हर एक श्रमिक को जॉब कार्ड से हाजिरी ली, साथ ही श्रमिकों से छाया पानी की व्यवस्था की भी जानकारी ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोटा में सामाजिक संस्थाओं ने लोगों की मदद, भाजपा के पूर्व पार्षद ने उठाया मदद का बीड़ा, अपने वार्ड में बांटी राशन सामग्री। अलवर की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी से लोगों का आवागमन जारी, लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, बाहर से आने वाले लोगों को किया जा रहा होम आइसोलेट। धौलपुर में आज कोरोना विस्फोट, 39 नए कोरोना मरीज आए सामने, क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं का मामला आया सामने। भीलवाड़ा में कोरोना के कहर से हिली कपड़ा इंडस्ट्री, फैक्ट्री मालिक ने श्रमिकों को दिखाया बाहर का रास्ता, नाराज श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना महामारी से निजात के लिए बूंदी में घर घर में होगा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन, श्री बजरंग जन कल्याण समिति ने शनिवार से शुरू किया हनुमान चालीसा पाठ, 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा तक होगा हनुमान चालीसा पाठ। चूरू के सुजानगढ़ में पीएमओ डॉक्टर एसके कालानी ने नगर परिषद सहित कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सफाई अभियान का किया शुभारंभ, मरीजों और परिजनों को बताए कोविड-19 से बचने के उपाय। अजमेर में एक बच्चे ने मनाया अपना अनूठा जन्मदिन, कोरोना योद्धाओं के साथ मिलकर मनाया सादगी से जन्मदिन, घर वालों से मिले उपहार को भी सौंपा वॉरियर्स को। अजमेर में चीनी सामान का बहिष्कार कर दी शहीदों को श्रद्धांजलि, वक्ताओं ने की आमजन से स्वदेशी अपनाने की अपील। शाहबाद पंचायत समिति के गांव अमरोह में आदिवासी सहरियाओं की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, 10 बीघा कृषि भूमि पर कर रहे हैं आदिवासी खेती, आदिवासियों की नहीं सुनी जा रही गुहार। मारवाड़ जंक्शन में स्टेट हाईवे पर खतरनाक मोड़ बनते जा रहे दुर्घटना पॉइंट, आउवा जैतपुरा जोजावर के 11 किलोमीटर में है 23 खतरनाक मोड़, निर्माण कंपनी की लापरवाही से हो चुकी है 2 लोगों की मौत, उपखंड अधिकारी ने जारी किए निर्देश। भरतपुर में मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर, खुद बन गए मजदूर, धूप और गर्मी के बीच जमीन पर फावड़ा चलाकर की तालाब की खुदाई, श्रमिकों का समझा डिप्टी कलेक्टर ने दर्द। पाली के देसूरी में विधायक ने विकास अधिकारी से लिया फीडबैक, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर की चर्चा, संकट की घड़ी में जनता की मदद के लिए तत्पर रहने के दिए निर्देश। एवं तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।